रामजन्म नगर के अतिक्रमित मकान को चिन्हित करने की प्रक्रिया पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। वैसे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर स्थानीय लोगों में डर व्याप्त है। रामजन्म नगर में जिला प्रशासन की बुलडोजर चलनी है और इसको लेकर स्थानीय लोग काफी डरे सहमे हैं। लोगों को डर है कि जिंदगी भर की कमाई एक मिनट में मिट ना जाए। हालांकि इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ विधायक बन्ना गुप्ता स्थानीय नेता खुलकर सामने आ गए हैं। बन्ना गुप्ता ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह अभियान सिर्फ 25 मीटर तक ही चलेगी। वैसे आज मकानों को चिन्हित किया जाना था, लेकिन विरोध के बाद इस चिन्हित पर ब्रेक लग गई है। काम हो जाए, अब ये जो है 400 फीट पीछे जाएंगे तो 400 में तो 500 मकान टूट जाएगा, वो मकान कौन देगा? इसलिए वो संभव नहीं है। इतना दिल्ली का नहीं होगा, दिल्ली का भी नहीं, इतना नहीं होगा। ये एकदम 25 मीटर से 26 मीटर नहीं भागने देंगे। मेरी बात सुनिए, यदि इसमें प्रशासन और इसको नहीं तैयार होगा तो बन्ना गुप्ता यहाँ खड़ा होने का जगह आपके पास खड़ा रहेगा। विधानसभा चालू जो ये डैम जो आपका पुल बना रहे हैं उनके ऊपर हम पहले बैठ के उनकी चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि इससे क्या हो सकता है। ये क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है, इसीलिए वो उनके पास जाके उनसे चर्चा करना ज्यादा जरूरी है और फिर हम एसडीओ साहब को और बन्ना गुप्ता जी को उसके ऊपर बताएंगे। ऐसे कितने घर अभी तो चिन्हित किया? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, आज तो कुछ हो ही नहीं पाया है। देखा आपने, कुछ भी नहीं हुआ आज। तो अभी दोबारा हमको जाने दीजिए, हम आज इंजीनियर लोग के साथ बैठ के फिर इस पर फैसला करें। ये जो कितने मीटर्स है इसके ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, और ये एकदम दिमाग में आप बैठा के रखिए कि उसके ऊपर पूरा हम लोग को दोबारा उनको रिलोकेट करने का हम लोग ने सोचा और करेंगे। कोई आदमी बेघर नहीं होगा।